दीदी, ओ दीदी, दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। रत्ना। दीदी चाय। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग रत्ना। मैं वैसे भी बहुत टायर्ड फील कर रही थी आज। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। और 6 महीने में पहली बार तुमने मुझे बेटी दी है, क्या बात है। हाँ तो 6 महीने में आपको भी तो कोई पहली बार प्यार करने वाला मिला है। प्यार करने वाला कौन कौन? यू मीन आशु? और नहीं तो क्या, और कोई भी है क्या? हाय दीदी, हे भगवान। रत्ना ऐसा कुछ नहीं है। तब तो अच्छी बात है, काहे कि आशु भैया बहुत अच्छे हैं, हम तो कह रहे हैं। रत्ना कम ऑन, ऐसा सच में कुछ नहीं है। ओके जाओ जाके बाकी काम करो, हमको सब पता है। रात भर आपको नींद नहीं आती, आपकी आंखें थकी थकी रहती हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, और रात भर दोनों लोग बैठ के रोमांटिक पिक्चर भी तो देखते हैं, उनको सब पता है, ऐसे थोड़ी होता है कुछ। रत्ना तुमको ज्यादा नहीं समझने लग गई हो, जाओ जाके नाश्ता तैयार करो। नाश्ता हम थोड़ी बना रहे हैं, आशु भैया बना रहे हैं आपके लिए, वो भी स्पेशल। तो तुम कुछ और काम कर लो। हम तो कर ही लेंगे। गॉड। Welcome ma'am. Let's sit and have this special breakfast prepared by Chef Ayush Kapoor. Urf Ashu. वो actually आज मेरा fast है तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती। I'm really sorry. Fast. Ma'am. Please. एक बार taste तो कर लो। मेरे mom की best recipe. Ayush, मेरा fast है। I can't eat anything. तुम्हें समझने में कोई problem होती है क्या? Good. Come on, Ratna. Let's have breakfast together. आपको पैनकेक पसंद है ना? हाँ। टेस्ट करके बताओ मैंने कैसा बनाया। खा ले। हाँ। बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो भैया, एक पीजी के लिए ना एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। हाँ एक्चुअली मैं अपने छोटे भाई के लिए देख रही हूँ, उसे कल ही शिफ्ट होना है। जी, मैं आपको एडवांस ट्रांसफ़र कर दूँगी, बस आप अपने अकाउंट डिटेल्स मुझे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू। भैया एक चीज़ सैंडविच कर दो। हाँ, अच्छा हाँ, हरी चटनी मत भूलना। जी मैडम। अच्छा सुनो, थोड़ी सी ना मेयोनीज़ भी डाल देना। मतलब रोज़ वाली ना मैडम? हाँ बस चीज को ना थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बना दे। जी मैडम। अनहेल्दी कुछ मत डालना। हाँ समझ गया मैडम। बस जल्दी से ले आओ। जी जी जी। हाय मैम। हाय। मे आई? या। थैंक यू। पता है आज सुबह मैंने बहुत प्यार से आपके लिए पैनकेक्स बनाए थे, बट आई कैन अंडरस्टैंड आपका फास्ट था, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। साबुदाने की खीर। यू नो, आपके जाने के बाद मैंने रियलाइज नहीं किया, एक्चुअली मैंने मम्मा को कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि साबुदाने की खीर ना फास्ट के दिन खा सकते हो, इसलिए मैंने फटाफट से बनाई और फटाफट से आपके लिए ले आया। इससे ना आपको पूरे दिन एनर्जी मिलेगी और आपका फास्ट भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू आशु, बट आई डोंट वांट टू ईट। मैडम आपकी सैंडविच With extra mayonnaise, with extra cheese, lots of धनिया and पुदीना की चटनी और non healthy। ओ पंडित जी, किसके लिए? अरे अपनी नेहा मैडम के लिए, और किसके लिए? अरे चिरकुट हो क्या? उपवास है उनका फास्ट, मतलब समझते हो ना, ये सब फालतू की चीजें नहीं खा सकते पंडित जी। मैडम बोलिए ना, आप ही ने तो मंगाया था। नहीं मैंने नहीं मंगवाया, मैं ये सब नहीं खा सकती, ले जाओ। ठीक है। नहीं अभी आप इतने प्यार से लाया तो दे दीजिए, मैं खा लूंगा, मैं आपकी मेहनत खराब नहीं होने दूंगा। थैंक यू। वैसे खा तो हम भी सकते थे। हाँ तो अपने लिए बना लीजिए दूसरा। अरे अब खाइए ना साबुदाने की खिचड़ी, बहुत टेस्टी है, मम्मा बेस्ट रेसिपी।
इतना कमाल का सैंडविच बनाते हैं यार पंडित जी, वेरी यम्मी। थैंक यू पंडित जी। गुड इवनिंग मैम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं वो क्या, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज आप ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। हाँ कमजोरी हो गई होगी ना, इसीलिए तो मैं आपके लिए खीर लेके आया था, लेकिन आपने खीर खाने से मना कर दिया। पता मम्मा बोलती है कि फास्ट में कुछ ना खाते रहना चाहिए, अगर नहीं खाओ ना तो ब्लड प्रेशर लो जाता है, फील हो जाता है। एकदम चुप। जब से इस घर में आए हो बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, दिमाग खराब हो गया इंसानों की रेडियो। पहले कुछ दिनों के लिए बोलकर आए, फिर एक हफ्ता हो गया, तुमने एक बार भी फ्लैट ढूंढने की कोशिश की नहीं। क्या जरूरत है फ्री में जो रहने को मिल रहा है, राइट? मेरी मम्मी सही बोलती है कि तुम जैसे मुफ्तखोरों से दूर रहो ना तो अच्छा है। इस घर को अपना बना के रखा है तुमने, मुझे अपनी स्पेस नहीं मिल रही है, मुझे अपना घर अपना नहीं लग रहा है। मिस्टर आयुष कपूर, मुझे अपनी स्पेस वापस चाहिए। यू आर द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। सॉरी मैम। मैम आपके पीरियड्स चल रहे हैं। अभी बोला है ना चुप रहने के लिए, और मेरा कोई फास्ट फास्ट नहीं था, मैंने वो झूठ बोला था क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथों का वो घटिया खाना नहीं खाना था, और वो सैंडविच वो भी मैंने ही ऑर्डर किया था। और तुम्हारे जैसे जाहिल गवार लोगों का ना इस मुंबई शहर में कोई काम नहीं है, और ये बात तुम अपने दिमाग में जितनी जल्दी घुसा लो उतना बेटर होगा, आई बात समझ? और इसीलिए ऑफिस में ना तुमसे कोई बात नहीं करता, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, बिकॉज यू आर अ पीस ऑफ शिट डिसअपॉइंटमेंट, एंड आई एम श्योर तुम्हारे घर वाले भी ना तुम्हें उतना ही नापसंद करते होंगे। मिस्टर आयुष मैम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर द मेस।